वो खबर जो कि आम जनता पर करेगी सीधा असर, चलिए डालते हैं उसी पर नजर। एक और कोरोना वायरस जैसी महामारी फैली हुई है, दूसरी ओर नियमों को ताक पर रखकर कई सामान बेचे जा रहे हैं, जिसमें दवाइयां, ऐसी दवाइयां बेची जा रही हैं जिसमें डॉक्टर का पर्चा होना बहुत जरूरी है, लेकिन इलीगल तरीके से ये दवाइयां दी जा रही हैं, बिना किसी डॉक्टर के आदेश के दवाइयां दी जा रही हैं। डॉक्टर की बिना सलाह के दवाइयां लेना कितना हानिकारक है, इसको लेकर हमेशा ही समझाया जाता है, लेकिन आए दिन इसी तरह के मामले सामने आते हैं और कई दवाई विक्रेता, दवाई बेचने वाले इन नियमों का पालन नहीं करते। हालांकि सरकार की ओर से सख्त आदेश है, वहीं कोरोना महामारी भी फैली हुई है, इसी तरह के दवाई विक्रेताओं पर कार्रवाई की गई है, जो कि टास्क फोर्स की तरफ से की गई है। सेंट्रल जोन टीम ने ये कार्रवाई की है, इसमें अग्रवाल फार्मेसी पर कार्रवाई की गई है जो कि दारुसलाम में है, गोशा महल नॉर्थ हैदराबाद में ये मेडिकल स्टोर है जिस पर कार्रवाई की गई है। तो आपको बता दें, पुलिस ने जयंत अग्रवाल पर कार्रवाई करते हुए आगे की पूछताछ चालू रखा है और साथ साथ इस मामले में अवैध तरीके से दवाई देने का, कानून को तोड़ने का मामला बनता है, जिसको लेकर अब आगे कार्रवाई की जा रही है। और भी दवाई विक्रेताओं को चेतावनी जारी कर दी गई है कि अगर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ की जाएगी तो इसी तरह से बड़ी कार्रवाई होगी। ये बड़ी कार्रवाई टास्क फोर्स टीम की तरफ से की गई है।